कोरोना के नाम पे जो किया वो असंगठित क्षेत्र पर तीसरा आक्रमण, तीसरा वार। गरीब लोग, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब आपने बिना कोई नोटिस लॉकडाउन किया, आपने इनके ऊपर आक्रमण किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21 दिन की लड़ाई होगी। असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। लॉकडाउन के बाद खुलने का समय आया और आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं, अनेक बार सरकार से कहा गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालना पड़ेगा। नहीं किया। हमने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए आप एक पैकेज तैयार कीजिए, उनको बचाने की जरूरत है, बिना इस पैसे के ये नहीं बचेंगे। सरकार ने कुछ नहीं किया, उल्टा सरकार ने सबसे अमीर 15-20 लोगों का लाखों करोड़ रुपए टैक्स माफ किया। लॉकडाउन कोरोना पर आक्रमण नहीं था, लॉकडाउन हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण था, हमारे युवाओं के भविष्य पर आक्रमण था। लॉकडाउन मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों पर आक्रमण था, हमारी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। हमें इस बात को समझना होगा, इस आक्रमण के खिलाफ हम सबको खड़ा होना होगा।